हेलो फ्रेंड, ये आज की ही न्यूज़ है जो आज समाचार पत्र पर छपी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि PhD यानी UGC की गाइडलाइंस के चलते दो विषयों में PhD करना है मुश्किल। लखनऊ विश्वविद्यालय में अब छात्रों को भूगोल और गृह विज्ञान विषय में PhD करने में परेशानी होगी। इसके पीछे कारण इन दो विषयों में स्थायी परमानेंट शिक्षकों की नियुक्ति न होना है। ये विभाग सिर्फ संविदा शिक्षकों के भरोसे है। LU में सत्र 2022 से 2023 प्रवेश प्रक्रिया में 39 विषयों में PhD के लिए आवेदन मांगे गए थे। प्रवेश प्रक्रिया LU के पुराने PhD ऑर्डिनेंस के तहत की गई थी। अब संशोधित PhD ऑर्डिनेंस के सिर्फ स्थायी शिक्षकों को ही PhD में सुपरवाइजर बनाने का अधिकार है। इससे एक ओर तो विश्वविद्यालय के भूगोल और गृह विज्ञान के शिक्षक PhD नहीं कर पाएंगे, दूसरी तरफ UGC की गाइडलाइन के मुताबिक अब स्नातक स्तर के कॉलेज के शिक्षक भी PhD नहीं करा सकेंगे। संविदा शिक्षकों द्वारा ही हो रहा है। कुलपति के नए विजन में कृषि संकाय का स्थापना करना है तो भी छात्र शोध नहीं कर सकेंगे। संविदा शिक्षकों के PhD न करने से पहला असर विश्वविद्यालय रैंकिंग पर पड़ेगा। NIRF या NAC मूल्यांकन तय करने में पब्लिकेशन प्रति शिक्षक का गहरा प्रभाव पड़ता है। BV ने रखा है अपना पक्ष। डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव ने कहा, UGC गाइडलाइन से इतर जाकर PhD नहीं कराई जा सकती है, अन्यथा PhD अमान्य होगी। हालांकि इस समय के संबंध में BV प्रशासन द्वारा UGC को अवगत कराया जाएगा। शिक्षक संघ का पक्ष क्या है? प्रोफेसर मनोज पांडे ने कहा है कि स्नातक कॉलेजों के शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से कम नहीं है। इनमें PhD का अधिकार सरकार ने दिया है। NEP 2020 में शोध को बढ़ावा की बात है, उन्हें वंचित रखा तो शिक्षा संघ विरोध करेगा। आई होप ये आज की ही न्यूज है। यदि ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।